TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने तीजी वार सरकार बनाउण दा कीता दावा ते दित्ती नवीं गरंटी। NIA ने विदेशों लॉरेंस दा खास मखास बराड़ कीता, गिरफ्तार लियांदा भारत। आप विधायक नाल बदसलूकी दे मामले विच IAS अफसर नूं चेतावनी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों यूट्यूब चैनल चलाउण लई 3 महीने लई कंपनी नाल 36 लाख रुपए दा करार। पंजाब दे कई संसद मैंबरां ने रोस प्रदर्शन करके केंद्र सरकार तो राहत पैकेज की कीती मांग। पंजाब दे बहु करोड़ी ड्रग रैकेट मामले की पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच हुई सुनवाई अते कई होर जानकारियां अपने प्रोग्राम दौरान शामिल करांगे। इहदे तों पहलां इन्हां दे उत्ते विस्तारत गल्लबात करां, तुहानू सभनां नूं बेनती है कि पहला प्रोग्राम देख लैणा, सुन लैणा ते जेकर चंगा लग्गिया फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। सब तो पहली वड्डी ते अहम खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख दिता है कि तीसरी बारी भी सरकार बनावांगे। ते नाल उन्होंने यह भी दावा किया है कि तीसरे कार्यकाल दे विच भारत दुनिया दीआं पहलियां जिहड़ियां 3 अर्थव्यवस्थावां ने उन्हां दे विच्चों एक होवेगा, ये कहिंदे मेरी गरंटी है, ये उन्होंने गरंटी दित्ती है। तो उन्होंने यह भी आख्या है कि साल 2024 तो बाद तीसरे कार्यकाल दे विच भारत का जिहड़ा विकास होएगा वह बहुत तेजी नाल होएगा ते भारत के लोग जिहड़े सुपने है ना उन्होंने अपनियां अखां दे नाल अपनियां अखां दे सामने साकार होंदा देखणगे। उन्होंने दरअसल कल नवीं दिल्ली दे विच एक मुड़ विकसित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कम कन्वेंशन सेंटर जिसनों IECC कहा जाता है, IECC का उद्घाटन वक्त ये गल्लां आखियां। उन्होंने आखिया कि दुनिया का सब तो वड्डा सोलर विंड पार्क, दुनिया का सब तो उच्चा रेल पुल, दुनिया की सब तो लंबी टनल भाव सुरंग, दुनिया की सब तो उच्ची मोटरेबल रोड, दुनिया का सब तो वड्डा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया की सब तो उच्ची मूर्ति, एशिया का दूसरा सब तो वड्डा रेलवे रोड ब्रिज, ये कहिंदे सारा कुछ भारत च है। ते नाल उन्होंने यह भी आख्या कि बड़ी जल्दी दिल्ली दे विच दुनिया का सब तो वड्डा म्यूजियम भी बनेगा। IECC की इमारत का नाम उन्होंने भारत मंडप रखिया है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक सिक्का अते एक डाक टिकट भी जारी की। इहदे तों पहलां सवेर का वक्त से उन्होंने हवन किया, पूजा अर्चना भी की, कन्वेंशन सेंटर का रीडिवेलपमेंट का जिहड़ा खर्चा वह लगभग 27 करोड़ रुपया दसिया गया है। तो उत्थे उन्होंने आ कुछ एक दावे किए ने कि तीजी वारी सरकार भी बनावांगे, भारत के लोग अपने सुपने आ जिहड़े वह अखां के सामने साकार हुंदा भी देखणगे। तो हुण गल करदे आ सिद्धू मूसेवाला कातल केस के नाल जुड़ी एक वड्डी खबर की। अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर ते समगलर का जिहड़ा गठजोड़ है उहदे विचकार भारत की जिहड़ी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, उन्होंने एक वड्डा मारका मारिया। तो उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य सहयोगी जिसका नाम विक्रमजीत उर्फ विक्रम बराड़ दसिया जाता है, उन्होंने UAE तो डिपोर्ट करवाया अते तुरंत गिरफ़्तार कर लिया। विक्रम बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीली बंगा कस्बे के नेड़े पैंदा पिंड डिंगा का रहने वाला दसिया जा रहा है। दसिया जा रहा कि विक्रम बराड़ UAE दे विच बैठ के लॉरेंस का गैंग ऑपरेट कर रहा सी, चला रहा सी, ते बॉलीवुड स्टार सलमान खान नूं धमकी देण पिछे विक्रम बराड़ का नाम सामने आया सी। NIA ने जानकारी दिती है कि उन्हां दी एक टीम विक्रमजीत बराड़ नूं भारत वापस लियाउण लई UAE गई सी। इहदे तों पहलां NIA ने मंगलवार का दिन सी हरियाणा ते दिल्ली दे विच शक्की संगठित अपराध जिहड़ा सिंडीकेट है उहदे मैंबरां दीआं 3 जायदादां भी कुरक कीतियां सी। लगातार कार्रवाई की जा रही है NIA दे वल्लों। तो सिद्धू मूसेवाले दे कतल केस दे विच कथित तौर ते शामिल सी
विक्रम बराड़ ते हुण उन्हूं डिपोर्ट करन दे नाल नाल एन आई ए ने हिरासत में लै लिया। तो एन आई ए ने आख्या कि सिद्धू मूसेवाल के कतल दे विच शामिल विक्रम बराड़ नूं एन आई ए हिरासत में लैके हुण पुछगिछ करेगी। विक्रम बराड़ उन्होंने यह भी दस्या कि खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद करता सी, उन्हूं भारत दे विच हथियार इहदे नाल नाल जिहड़ी फरौती उहदे मामलों के उहदा सहयोग दिंदा सी। गोल्डी बराड़ के नाल भी विक्रम बराड़ के संपर्क के संबंध दसे जाते हैं। तो बराड़ आई पी एस दीआं वख वख धारावां दे नाल इह भी दस्या गया कि असला एक्ट कतल कतल की कोशिश अते जबरी वसूली के घट्टो घट 11 मामलों के लोड़ीदा सी। एन आई ए ने दस्या कि पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली समेत कई होर सूबों की पुलिस भी उन्हों लभ रही सी अते उन्हां दी बेनती दे उत्ते विक्रम बराड़ के खिलाफ 11 लुकआउट नोटिस जारी किए हुए सी। एन आई ए ने यह भी दस्या कि विक्रम बराड़ लॉरेंस अते गोल्डी बराड़ के इशारे ते काम करता सी अते उन्हां नूं लॉजिस्टिक भी प्रदान करवाउंदा सी। ते हुण गल करदे आं आप विधायक दिनेश चड्डा की। रोपड़ के विधायक ने दिनेश चड्डा एडवोकेट दिनेश चड्डा ने बीते दिनी एक छापेमारी कर ली। तो उहदे तों बाद बहुत सारे जिहड़े कर्मचारी सी उह हड़ताल ते बैठ गए सी। तो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के मुलाजमान ने हुण देर रात दिनेश चड्डा की अपील ते वापस हड़ताल लैण का ऐलान कर दिता है। दसना बनता कि डीसी दफ्तर के मुलाजमान ने एडवोकेट विधायक दिनेश चड्डा ते परेशान ते बदसलूकी करन दे दोष लाए सी। तो इन दोषों के कारण डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के कर्मचारी एसोसीएशन रूपनगर ने कलम छोड़ हड़ताल कर दिती सी। बीते 2-3 दिन तो यह लगातार हड़ताल जारी भी सी। तो बुधवार की देर शाम एडवोकेट दिनेश चड्डा जिहड़े कि आप विधायक ने वह फेसबुक के उत्ते एक छोटी जी वीडियो अपलोड करदे आ ते स्पष्टीकरण दिंदे आ कि डीसी दफ्तर दे विचों चैकिंग तां करन गए सी पर उन्हां दा इरादा किसी नूं कोई ठेस पहुँचाउण दा कदे भी नहीं सी। उन्हां कर्मचारियों नूं कम ते परतण दी अपील भी कीती। ते इहदे तों बाद फिर देर रात खबर मिल गई कि यूनियन दे जिला प्रधान जिन्हां दा नाम जसवीर सिंह है उन्होंने फिर एक वीडियो दे राहीं हड़ताल वापस लै जाण दा ऐलान कर दिता। उन्हां दस्सिया कि रोपड़ जिला हड़ां दी स्थिति दे कारण लोक हित नूं देखते हुए हड़ताल वापस लैण जा रहा है। उन्होंने भी दस्या कि वीरवार तो सारे मुलाजम काम ते परत आउणगे। दसना बनता कि बीते दिनी आप विधायक दिनेश चड्डा ने लोगों दीआं शिकायतां मिलण तो बाद दफ्तर दे विच छापेमारी कर ली सी कि शिकायतां मिल रही ने काम नहीं हुंदा ते नाल भ्रिष्टाचारी की भी शिकायत मिल रही है। वह शिकायत तो कुछ मुलाजम औखे हो गए ते औखे होण तो बाद कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिता सी ते हुण हड़ताल वापस लै ली गई है। तो हुण एक होर आप विधायक दे नाल एक IAS अफसर दे वलों बदसलूकी का मामला बीते दिनी प्रकाश में आया सी। ते ओ आप विधायक ने गुरप्रीत गोगी अते IAS अधिकारी इन्हां दे विचकार जिहड़ी तलखी वधी सी विवाद वधिया सी उहदे उत्ते कारवाई पा दित्ती गई है। IAS अधिकारी नूं पंजाब विधानसभा की विशेष अधिकार कमेटी के वलों कार्रवाई करन दी चेतावनी भी दे दित्ती गई है। आप विधायक गोगी नूं असल दे विच लुधियाणा दे व्यापारियों की मीटिंग तो बाहर रखा गया सी। जानकारी दे मुताबक विधायक गोगी ने शिकायत कर दित्ती सी ते ओह शिकायत की सुनवाई की है विशेष अधिकार कमेटी ने। इहदे विच मुलजम IAS अधिकारी अते उद्योग विभाग के तत्काली सकत्तर दलीप कुमार नूं फिर सद्दा भेज दिता गया सी कि पेश होवो। इस कमेटी के वलों IAS अधिकारी नूं पुछया गया कि दस्या जावे कि व्यापारियों की मीटिंग दे विच MLA गोगी का सन्मान क्यों नहीं किया गया, वो की कारण सी कि तुसी एक चुने हुए नुमाइंदे उस मीटिंग दे विचों बाहर कढ दिता गया, जदों कुर्सी ते बैठन लगे तुसी क्या कुर्सी ते तुसी बैठ नहीं सकते। कमेटी मैंबरां दे वल्लों कहा गया कि विधायक गोगी दे अनुसार जिहड़ी उन्होंने शिकायत दित्ती है कि व्यापारियों दे नाल वो जिहड़ी मीटिंग हो रही सी वो कोई गुप्त मीटिंग नहीं सी, जिस दे कारण विधायक मीटिंग दे विच बैठ सकते सी, की कारण सी कि उन्होंने बैठन नहीं दिता गया। विधायक गोगी ने आख्या सी कि चुने हुए नुमाइंदे का यह सरासर लोगों के सामने अपमान है। उन्होंने कहा कि जेकर IAS अधिकारी विधायक की नाराजगी के बारे बाद पता लग भी गया सी तां भी दस्या जावे कि मीटिंग दे विच उन्हूं बुलाया जाना चाहिए सी जां नहीं,
जे तुहानू पता लग गया सी कि तुहाडे शब्दां दे कारण विधायक नाराज़ होए ने, फिर तुसी की कीता? ये उन्होंने सवाल किए गए, पुछया गया कि तुहाडे कोल फिर इस मामले नूं नजिठण वास्ते 2 महीने का समा भी सी, तुसी फिर भी इन्हां 2 महीनों के दौरान विधायक दे नाल कदे संपर्क तक ना किया? जानकारी दे अनुसार फिर IAS अधिकारी ने इस कमेटी के सामने अपना जवाब दिता, तो उन्होंने मन्निया कि व्यापारी एसोसीएशन की मीटिंग शुरू होने के वक्त जिहड़ी उन्होंने सूची दिती गई उहदे विच विधायक का नाम नहीं सी, पर उन्होंने इस गल का इलम नहीं सी कि पहली गल तां कि विधायक गुस्से हो गए ते दूसरी गल मीटिंग दे विच उन्होंने बाहर नहीं कढ़िया। वह कहिंदे मैनूं पंजाबी नहीं बहुती आउंदी, पंजाबी भाषा का बहुता ज्ञान नहीं, हो सकता है कि मैं अंग्रेजी हिंदी विच कुछ आख्या होवे ते विधायक गोगी होरां ने अपने तरीके नाल उहनूं ट्रांसलेट कर लिया होवे ते उहदा गुस्सा मन गए होण। हुण जानकारी दे अनुसार इस IAS अधिकारी दलीप कुमार का पक्ष जाणिया गया, पक्ष जानण तों बाद विधानसभा विशेष अधिकार कमेटी ने उन्हां नूं आख्या कि मामला विगड़िया भी तुहाडे करके है ते निपटारा भी तुहानूं करना पऊ, तो विधायक गोगी दे नाल संपर्क करो। चेतावनी दित्ती गई है कि जेकर तुसीं विधायक दे नाल संपर्क करके अपनी गलती का अहसास ना किया तां अगले हफ्ते 2 गवाहां दे बयान दर्ज किए जाणगे ते फिर तुहाडे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये भी जानकारी मिली है कि कमेटी के सामने पेश होने तो पहला इस IAS अधिकारी लंबा समा बाहर खड़ा रखा, तो जो इस मसले के विशेष अधिकार कमेटी को पूछा गया कि IAS अधिकारी बाहर क्यों खड़ा रखा गया, तो कमेटी का जवाब अगों ये मिले है कि पहला साड़ी कोई मीटिंग चल रही थी। दसना बनता कि विशेष अधिकार कमेटी के चेयरमैन ने कुलवंत सिंह पंडूरी ते दे मैंबरां दे विच विधायक रंधावा साहब ने, डॉक्टर सुखविंदर सुखी ने, मैडम रजिंद्रपाल कौर छीना ने, अरुणा चौधरी है, रुपिंदर सिंह हैप्पी ने, हरदेव सिंह लाडी, ये सारे MLA इस कमेटी के मैंबर ने, ते इस मीटिंग दे विच सारे दे सारे शामिल भी सी। हुण वेखदे हां कि IAS अधिकारी इस चेतावनी तों बाद इस विवाद नूं किवें नजिठदे ने। ते हुण गल करदे हां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की। बीते दिन ही भाव 24 तरीक नूं अपना YouTube चैनल तो चला लिया, पर करार किन्ने विच कीता उस कमेटी नाल वह गल सामने आई है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वह कहिंदे भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आर्थिक तौर पर मैं मजबूत करना है, तो मैं ये जतन शुरू कर दते ने। एडवोकेट धामी साहब ने दस्या कि बीते 11 सालों तो श्री हरिमंदर साहब तो गुरबाणी का जिहड़ा सीधा प्रसारण PTC कर रहा है, हाले भी कर रहा है, PTC चैनल में 24,90,000 का जो बकाया उन्होंने वाल है वह देने वास्ते SGPC ने नोटिस जारी किया है। कारण की है कि चैनल का स्टाफ बीते 11 सालों तो हरिमंदर साहब के यात्री निवास श्री गुरु अर्जन देव जी के कमरा नंबर 91 और 93 रह रहा है, पर उसका कदे किराया नहीं दिता। नाल ही उन्होंने ये भी आख्या कि माता गंगा जी निवास के बीते 20 सालों तो 2 कमरों पर कब्जा करी बैठा एक कनेडा का रेडियो स्टाफ, उन्होंने भी आख दिता कि कमरे तुसी भी खाली कर दो, उन्होंने रेडियो प्रबंधकों यात्री निवास से इन 2 कमरों का जिहड़ा बनता लखां रुपए का किराया है वह अदा करने वास्ते भी आख्या, तो इस तरह PTC भी आख्या। एडवोकेट HS धामी साहब ने कहा है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत गुरद्वारा साहिब दीआं दुकानां होर थावां तों जिहड़ा हासिल होण वाला किराया है ते होर पैसों की जिहड़ी वसूली है जिहड़ी अजे तक कीती नहीं सी कदे गई, उन्हां वास्ते नोटिस भेजण दी हुण SGPC ने तैयारी की है। उन्होंने दस्सिया कि लीज़ ते दित्तियां गईआं थावां तों जिहड़ा किराया उह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आमदन होंदी है, ते आमदन ये सालाना करोड़ों रुपए च होंदी है, पर इस पासे कहिंदे अधिकारियों ने कदे बहुता ध्यान नहीं दिता। हुण इत्थे टिप्पणी करनी बनती है, धामी साहब ध्यान तो तुसीं ही देना सी, फिर तुसीं ही दवाउणा सी। उह कहिंदे अधिकारियों ने कदे इस पासे ध्यान नहीं दिता जिस दे कारण हर साल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। धामी साहब ने दस्या कि SGPC का जिहड़ा YouTube चैनल है उहदे उत्ते गुरबाणी के प्रसारण लई अनुसुकृति कम्यूनीकेशन के नाल 3 महीनों जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, उस करार के तहत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कुल 36 लाख रुपए 3 महीनों का उस कंपनी सिर्फ
यूट्यूब चैनल चलाउण दा देवेगी, पर कहिंदे इह रकम भी असीं अपनी जेब चों नहीं हुण देवांगे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 36 लाख रुपए का भुगतान करने वास्ते भी PTC चैनल नूं आख दिता है। हुण इह क्यों आख्या, यही तो लोग अज तक सवाल करते हैं कि इक्को ही कंपनी का सारा कुछ है कि SGPC उस कंपनी की है, क्योंकि ये तो संगतां की है ना, वो एक खास परिवार का है। कारण दस्या जाए कि वह पैसे क्यों देंगे प्रबंधकों का, वह कहें जो उन्होंने गलबात की गई PTC दे नाल, वह कहें ठीक है जी 36 लाख रुपया भी असी उस कम्युनीकेशन कंपनी को दे देंगे, ये वास्ते PTC राशि हो गया। इस मसले पर फिर सवाल खड़ा होगा कि PTC का श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी में दान है जां उन्हां दी कोई हिस्सा पत्ती है, क्यों तो पैसे देणगे उह। ते हुण गल करदे आं पंजाब दे कुछ संसद मैंबरां दी जिन्हां ने अपनी आवाज़ बुलंद कीती है। पंजाब इस वक्त हड़ां दी मार चल रहा है, पंजाब दे लोक घरों बेघर हो चुके ने, फसलां बर्बाद हो चुकियां ने, मुढ़ले ढांचे अते खेती खेतर दे वास्ते 20,000 करोड़ रुपए की पैकेज एक केंद्र सरकार तो उन्होंने मंग की है। तो इस मंग नूं मुख रखदियां मैंबर जिहड़े पार्लीमेंट ने पंजाब नाल संबंधित ने, जां इह आख सकदा कि जिहड़े पंजाब दे प्रतिनिध ने, उन्होंने प्रदर्शन किया। तो संसद दे विच लगे महात्मा गांधी के बुत सामने खड़े होकर इन्हां मैंबर पार्लीमेंट्स ने बकायदा नारेबाजी भी की, हड़ां तो बुरे तरीके प्रभावित पंजाब वास्ते राहत पैकेज की मंग भी की। प्रदर्शन कर रहे इन्हां संसदां दे विच खडूर साहब तो मैंबर पार्लीमेंट जसवीर सिंह डिंपा, फरीदकोट तो मैंबर पार्लीमेंट मुहम्मद सदीक साहब, जलंधर तो मैंबर पार्लीमेंट सुशील रिंकू, श्री आनंदपुर साहब तो मैंबर पार्लीमेंट मुनीश तिवाड़ी, श्री फतेहगढ़ साहब तो मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर अमर सिंह, पटियाला तो मैंबर पार्लीमेंट प्रणीत कौर, संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मानसी, जिन्ह ने मंग की है कि पंजाब नूं हड़ां दे असर तो राहत दवाई जाए, विशेष राहत पैकेज दिते जाण दी तुरंत जरूरत है। ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के ये लोग प्रतिनिधि सी जिन्हां ने हड़ां दे मुद्दे ते केंद्र सरकार दे कोलों राहत पैकेज की मंग की है कि सूबे की इमदाद की जाए, नुकसान की भरपाई की जाए। जो इमदाद वो कहिंदे दित्ती गई है ये काफ़ी नहीं है। पटियाला जिला बहुत वड्डे पैमाने ते हड़ां दी मार हेठ है, तो इस गल आखी प्रनीत कौर ने, वो कहिंदी मेरा जिला भी है, बहुत मारू असर है, सब तो वध असर है, 1200 तो वध कहिंदे पिंड इस तरह के बिल्कुल थले लग गए हैं, तकरीबन 1.25 लाख एकड़ झोने की फसल तबाह हो चुकी है, जिथे वह मुड़कों के जीरी लाई भी नहीं जा सकती क्योंकि उत्थे भी 3-3 फुट रेता चढ़ाया। इस करके अगे भी फसलां बीजनियां किसानों के वास्ते आसान नहीं है। इस वास्ते कहिंदे स्पैशल पैकेज पंजाब वास्ते दिता जाए, खास करके पटियाला खेतर जिथे घग्गर की मार सब तो वध है, उत्थे प्रधानमंत्री स्पैशल पैकेज का ऐलान करन। यह प्रनीत कौर आख्या, ਇਹ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਐ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀ ਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,
पंजाब का किसान पंजाब के मजदूर ज आम लोग जिन्हों का नुकसान होया उन्होंने नुकसान की भरपाई की जा सके, दरियावां नूं ठीक किया जा सके, नहरां का नवीनीकरण किया जा सके, सड़कां जो टुट चुकियां ने दोबारा बनाईयां जा सकन, लोगों के जख्म ते मलहम लाई जा सके। इस तरह बाकी संसद मैंबरां ने भी केंद्र सरकार तो मंग की है कि पंजाब की इस औखी घड़ी बांह फड़ी जाए। तो हुण गल करदे आं पंजाब दे बहु करोड़ी ड्रग रैकेट की। पंजाब दे विच हज़ारां करोड़ों का ड्रग रैकेट है। इस मामले दे विच कल पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई हुई। मामले नाल संबंधित जिहड़े अधिकारी ने उन्हां अधिकारियों ने केस के तत्थां ते आपो अपना पक्ष पेश किया। दसना बनता है कि पिछले दो दिनों तो हाई कोर्ट दे विच इस मामले ते सुनवाई चल रही है। हालांकि जिहड़ी ताज़ी सुनवाई हुई है उहदी विस्तारित जानकारी मिलनी बाकी है। इहदे तों पहलां पंजाब सरकार ने इस मामले दे जिहड़े मुलज़म ने AIG राजजीत सिंह तुहानू याद होना कि उन्हूं नौकरियों बरखास्त कर दिता सी, उहदे खिलाफ लुकआउट सर्कूलर भी जारी किया होया पर हाले तक वह गिरफ़्तार नहीं किया जा सकिया। विजिलेंस के वलों ड्रग मनी दे नाल उन्हें किन्नी कित्थे कित्थे जायदाद बनाई उहदी भी उन्हूं भी ट्रेस किया जा रहा, जाँच की जा रही है। हालांकि मुलजम राजजीत कित्थे आ, जमीन च आ, आसमान च आ, लभ्या नहीं जा सकिया हाले तक। इस मामले च हाई कोर्ट के हुण तक तीन रिपोर्टां वो खुल चुकियां ने। इन्हां ते सिट मैंबरां दे दस्तखत भी होए हुए ने। इन्हां दे विच्चों असल दे विच जिहड़ी एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट नूं पढ़दिआं हाई कोर्ट ने पंजाब दे साबका DGP दिनकर गुप्ता नूं नोटिस जारी किया सी अते साबका DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं भी अपना पक्ष पेश करन दा हुक्म दित्ता सी। पर दूसरे पासे एडवोकेट नवकिरण सिंह ने जिहड़ी चौथी रिपोर्ट है वो आख्या सी कि फिलहाल वो चौथी रिपोर्ट खोली ना जाए, बंद रखण की अपील की सी। उदों तो लैके हुण तक इस मामले नाल संबंधित अधिकारी हर सुनवाई ते आपो अपना पक्ष पेश करदे आ रहे हैं। दसना बनता कि पंजाब सरकार ने इस मामले दे विच अकाली दल दे सीनियर आगू ते पंजाब दे साबका वजीर बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया सी। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 नूं मोहाली दे विच NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया सी। उहदे तों बाद बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जेल यात्रा भी करनी पई सी। इस वक्त बिक्रम मजीठिया बरी नहीं होए, सगो जमानत ते बाहर ने। यह भी दसना बनता है कि 23 मई 2018 नूं पंजाब सरकार ने सीलबंद रिपोर्ट ते हाई कोर्ट नूं अपनी राय दित्ती सी अते साल 2021 दे विच हाई कोर्ट ने इहदे उत्ते कार्रवाई करन दे हुक्म दित्ते सी। बाद दे विच पंजाब सरकार ने आख्या सी कि असीं कार्रवाई करन वास्ते तैयार हाँ। इहदे नाल ही कार्रवाई करन लई उह कहिंदे हाई कोर्ट दे असीं हुक्मां दी उड़ीक कर रहे हाँ। पंजाब सरकार दे वल्लों ब्यूरो ऑफ इनवैसटीगेशन दे AIG जिन्हां दा नाम सरबजीत सिंह है, सरबजीत दा हाई कोर्ट दे विच इक हलफनामा दे दित्ता गया सी। तो उस हलफनामे दे विच इह गल आखी गई सी कि दसंबर 2017 दे विच हाई कोर्ट ने तत्काली DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं ड्रग रैकेट दे विच शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करन दा हुक्म दित्ता सी। ते उहदे तों बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने 1 फरवरी 2018, 15 मार्च 2018 अते 8 मई 2018 भाव तीन रिपोर्टां वख-वख सीलबंद लफाफियां दे विच हाई कोर्ट के हवाले कर दित्तियां सन। कुल मिला के 4 रिपोर्टां ने जिन्हां विचों 3 खुल चुकियां ने अते उहनां दे उत्ते लगातार सुनवाई हाई कोर्ट विच चल रही है। उम्मीद है कि इस सुनवाई तो बाद पंजाब दे कुछ सीनियर वख-वख पार्टियां दे आगू ने उन्हां दीआं अते पंजाब दे कुछ सीनियर पुलिस अफसर ने अधिकारी ने उन्हां दीआं मुश्किलां विच वाधा हो सकदा है। सारिआं दीआं नज़रां टिकियां होईआं ने कि इस ड्रग रैकेट मामले दे विच कौण फसदा है ते कौण बचदा है। सो दोस्तो इह सी कुल मिला के अपना अज दा प्रोग्राम। उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं चंगा लग्गिआ होएगा। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्गिआ है तां कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर देना। जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। समा समाप्त है, जाण तों पहलां कहांगा जिंदगी।
जिंदादली का नाम है दविंदर सिंह बैनीपाल आग्या दौ। सत श्री अकाल, तेरा बराखा।